हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एम ना में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामिलिट्री स्टाफ के बारे में। हाँ दोस्तों, आज का हमारा लेटेस्ट अपडेट रहेगा आपकी रिटन एग्जाम रिजल्ट के बारे में। हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपकी रिटन एग्जाम के बाद में आपकी ऑनलाइन एनसीटी भी आ गई थी। अब आप सभी स्टूडेंट अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट निराश भी हो चुके हैं क्योंकि जब उन्होंने अपनी एनसीटी मिलाई थी तो उनका स्कोर काफ़ी कम है। बहुत सारे स्टूडेंट की भी डाउट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी, अतः इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा, क्योंकि सीआरपीएफ पैरामेडिकल व ट्रेडमेंट्स के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल रहती है। आपके मन में कोई भी डाउट हो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हो। तो दोस्तों जो कि पैरामेडिकल स्टाफ में जो आपका रिक्वायरमेंट आया था वो हेड कॉन्स्टेबल से लेके एसआई व आपके ट्रेडमेंट्स के लिए आया था। तो दोस्तों अभी आपकी रिटन एग्जाम ट्रेडमेंट्स की हुई है, जो बाकी बचे हैं जैसे कि एसआई हेड कॉन्स्टेबल उनकी एग्जाम 26 जून को कंडक्ट होगी। हाँ दोस्तों, 26 जून को कंडक्ट होने के बाद में रिटन एग्जाम होने के बाद में ही आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा। यह रिजल्ट एक साथ बनता है तो एक साथ ही आपका रिजल्ट आएगा, जो कि संभावित, हाँ दोस्तों हमने विभाग से जानकारी प्राप्त किया है, जो कि आपका जो रिजल्ट है वह जुलाई के सेकेंड वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, जुलाई के सेकेंड वीक से लेके लास्ट वीक के बीच बीच में आपको पैरामेडिकल स्टाफ का रिजल्ट आपको सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको स्पीडएफ के माध्यम से देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स साइज टाइप इसके माध्यम से इस तरीके से आपको अपना पीडीएफ के माध्यम से रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसमें आप अपना रोल नंबर मिलान कर सकते हो, जिस कैंडिडेट का रोल नंबर उस पीडीएफ में आएगा उसका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा, उसके बाद में फिर से उनकी फाइनल में लिस्ट आएगी। तो दोस्तों आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो अगस्त लास्ट तक जाएगा, अगस्त लास्ट तक आपका ट्रेड हो जाएगा, फिर सितंबर में आपका फाइनल में लिस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों विभाग से यही जानकारी आ रही है कि आपका जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट है वो जुलाई के सेकेंड या थर्ड वीक तक कंप्लीट आ जाएगा। वह उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वह आपकी ट्रेड टेस्ट व मेडिकल, वह दोनों एक ही दिन को होंगे, यानी जो जिस कैंडिडेट का ट्रेड पास हो जाएगा उसी दिन उनका मेडिकल भी हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के माध्यम से, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है हम सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर देते हैं। तो जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा एसआई व हेड कॉन्स्टेबल का 26 जून को, उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, क्योंकि भर्ती का रिजल्ट एक साथ ही आएगा, जो कि आपकी भर्ती है कंप्लीट एक ही सभी के साथ होगी। ऐसा नहीं कि ट्रेडमेंट की पहले हो जाएगी, जो एसआई हेड कॉन्स्टेबल उनकी बाद में होगी, उनका एग्जाम बाद में इसलिए हुआ है कि उनके रिटन एग्जाम में ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। हाँ दोस्तों, एंड जो आपका तो ट्रेड में ट्रेड क्वेश्चन नहीं आए थे, तो आपका पेपर बन गया था, लेकिन उनका अलग अलग पेपर बना है तो इसके माध्यम से टाइम लगा है उसमें रिटन एग्जाम में इतने दिन लेने के लिए। तो जल्दी आपका रिटन एग्जाम आ जाएगा बने रहिए के माध्यम से। जैसे हमारे पास और कोई सटीक जानकारी आती है हम आपको सबसे तुरंत सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराते हैं। तो दोस्तों बहुत दिन बाद में इस चैनल के माध्यम से आपके लिए वीडियो आया है जो कि आपका रिटन एग्जाम रिजल्ट के बारे में है। तो दोस्तों घबराए नहीं, जिसके एंसर की में कम नंबर बन रहे हैं उनका भी इसमें सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपकी बार का टॉपिक इतनी हाई जाएगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एबसेंट थे। अब ये कन्फर्म भी नहीं है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं, यह तो पता चलेगा जब आपका एग्जाम रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं। बट उसमें जब आपने एग्जाम दिया था तो आपको सामने लिखा हुआ था कि आपको इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग रही तो आपके कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, सभी ट्रेडों का सभी पोस्टों का एक साथ लिस्ट जारी होगी। तो बने रहिए चैनल के माध्यम से, एंड दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट हो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एंड जो कैंडिडेट ट्रेडमेंट की तैयारी करें, सीआरपीएफ ट्रेडमेंट की तैयारी करें, उनका भी रिटन एग्जाम जुलाई में होना है। आप सभी को पता होगा उनकी डेट भी आ चुकी थी। तो जो कैंडिडेट उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो उसकी तैयारी कीजिएगा। आपके बाद इसके बाद में आपके पास बहुत दिनों बाद में मौका आएगा, तो इस मौके को आप छोड़े ना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो दोस्तों जल्दी आपका पैरामेडिकल स्टाफ का आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में फिर से आपकी फाइनल में लिस्ट आएगी, जिस कैंडिडेट का उस मेडिकल के बाद में रिजल्ट के बाद में उसका नाम आएगा उसका फाइनल रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों बने चैनल के माध्यम से जैसे कोई जानकारी आती है हम आपको सूचित कर देंगे चैनल के माध्यम से। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा। एंड दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट है तो भी आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के आपके सिलेबस को भी आपको पता होगी, वो सिलेबस भी हम चैनल के माध्यम से कवर कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।